साथियों, आप अप्रूवर हैं और आपने सामने वाला एप्लीकेंट है, आप दाता है और सामने वाला याचक, इस भावना को छोड़कर अब बैंकों को पार्टनरशिप का मॉडल अपनाना होगा। जैसे अब बैंक ब्रांच के स्तर पर ये लक्ष्य तय किया जा सकता है कि वो अपने क्षेत्र के 10 नए युवाओं या 10 लघु उद्यमियों के साथ मिलकर उनका व्यापार बढ़ाने में मदद करेगी। मैं जब स्कूल में पढ़ता था उस जमाने में बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था और उस समय मुझे बराबर याद है साल में कम से कम 2 बार बैंक के लोग हमारे स्कूल में आते थे, स्कूल में, और बैंक में खाता क्यों खोलना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को गल्ला दे करके उसमें पैसा क्यों बचाना चाहिए ये समझाते थे, क्योंकि तब वो सरकारीकरण नहीं हुआ था। तब आपको लगता था कि ये मेरी बैंक है, मुझे इसकी चिंता करनी है, एक कंपटीशन भी थी। और बैंकिंग यानी फाइनेंशियल वर्ल्ड का बैंकिंग सेक्टर की आम सामान्य मानवीय को एक ट्रेनिंग भी जरूरी थी। सभी बैंकों ने काम किया है, राष्ट्रीयकरण होने के बाद शायद मिजाज बदला है, लेकिन 2014 में बैंक की इस शक्ति को मैंने पहचान करके जब उनको आह्वान किया कि मुझे जनधन अकाउंट का मूवमेंट खड़ा करना है, मुझे गरीब की झोपड़ी तक जाकर के उसको बैंक खाते खुलवाने हैं, जब मैं मेरे अफसरों से बात कर रहा था तो बहुत विश्वास का माहौल नहीं बनता था, आशंकाएं रहती थी कि यार ये कैसे होगा। तो मैं कहता था भाई एक जमाना था कि बैंक के लोग स्कूल में आते थे, तय तो करो, इतना बड़ा देश और सिर्फ 40% लोग बैंक से जुड़े हो, 60% बाहर हो, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर बात चल पड़ी और यही बैंकिंग सेक्टर के लोग, राष्ट्रीयकरण हो चुकी बैंकों के लोग, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ ही बैठने की आदत बन चुके थे, वो लोग जब देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि हमें जनधन अकाउंट खोलना है, मैं आज गर्व के साथ सभी बैंकों का उल्लेख करना चाहूंगा, सभी बैंकों के हर छोटे मोटे मुलाजिम का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने इस सपन को साकार किया और जनधन अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन की दुनिया में दुनिया के सामने एक बेहतरीन उदाहरण बन गया। ये आप ही के तो पुरुषार्थ हुआ है। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जनधन जो मिशन निकला वो बीज बोया था तो 2014 में, लेकिन आज इस कठिन से कठिन कालखंड में दुनिया डगमगाई, भारत का गरीब टिका रहा क्योंकि जनधन अकाउंट की ताकत थी। जिन जिन बैंक के कर्मचारियों ने जनधन अकाउंट खोलने के लिए मेहनत की है, गरीब की झोपड़ी में जाता था बैंक का बाबू, कोट पैंट टाई पहने हुए व्यक्ति गरीब के घर के सामने खड़े रहते थे, उस समय तो शायद लगा होगा सरकार का एक कार्यक्रम, लेकिन मैं कहता हूं कि जिन्होंने इस काम को किया है, इस पैंडेमिक के कालखंड में जो गरीब भूखा नहीं सोया है उसका पुण्य उन बैंक के लोगों के खाते में जाता है। कोई काम, कोई पुरुषार्थ कभी भी बेकार नहीं जाता है जी। एक सच्ची सोच के साथ सत्य निष्ठा से किया हुआ काम, एक कालखंड आता है जब परिणाम देता है
और जनधन अकाउंट कितना बड़ा परिणाम देता है हम देख रहे हैं। और हमें इकोनॉमी ऐसी नहीं बनानी है कि ऊपर इतनी मजबूत हो, इतनी मजबूत हो, उसकी मजबूती का बोझ इतना हो कि नीचे सब कुछ दब जाए। हमें बैंकिंग व्यवस्था नीचे भी गरीब से गरीब तक उतनी मजबूती देनी है ताकि ऊपर जाती हुई इकोनॉमी जब ऊपर भी बड़ा बल्क बनेगा तो दोनों का सामर्थ्य से भारत पुष्ट होगा। और मैं मानता हूं कि हमने उसी एक सोच के साथ करना था। अब कल्पना कर सकते हैं कि जब स्थानीय व्यापारियों को यह एहसास होगा कि बैंक और उसके कर्मचारी उनके साथ खड़े हैं, मदद के लिए खुद उनके पास आ रहे हैं, तो इनका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। आपके बैंकिंग के अनुभवों का भी उन्हें बहुत लाभ होगा।